अगर आप इस फेस्टिव सीजन में या फिर आने वाले कुछ महीनों के अंदर अपने लिए 7 लाख से लेकर के 8 लाख के बजट के अंदर आने वाली एक बेस्ट और रिलायबल कार लेने की सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपके लिए 7 से लेकर के 8 लाख के ऑन रोड बजट में आने वाली टॉप 7 बेस्ट गाड़ियों को ढूंढ के लाए हैं, जो आपके और आपके फैमिली मेंबर्स के लिए एक सेफ, रिलायबल और पॉकेट फ्रेंडली कार होने वाली है, जिनको हमने टोटल 30 से भी ज्यादा अलग अलग गाड़ियों में से ढूंढ के सिलेक्ट किया है और इनमें से हर एक गाड़ियों को अपने सेगमेंट की बेस्ट कार माना जाता है। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर हमारे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें यूट्यूब में ग्रो होने के लिए आपकी थोड़ी मदद मिल सके। तो हमारी पहली कार है निसान मैग्नाइट। मैग्नाइट अपने सेगमेंट की सबसे ज्यादा सेल होने वाली कार में से एक है, जो अपने एग्रेसिव लुक्स और प्राइसिंग के लिए काफी फेमस है। और हाल ही में निसान ने मैग्नाइट की अपडेटेड वर्जन को भी इंडियन मार्केट में उतारा है, जिसमें पहली वाली मैग्नाइट से थोड़ी ज्यादा अट्रैक्टिव लुक दी गई है और साथ ही में इसमें बहुत सारी कॉस्मेटिक चेंजेस भी करी गई है। इंजन की बात करें तो इसमें एक 1 लीटर यानी 1000 सीसी की नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दी गई है, जो टर्बो पेट्रोल इंजन में भी आती है, लेकिन 7-8 लाख के बजट के अंदर आपको इसकी नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन ही मिलेगी, जो इसे 71 bhp और 96 Nm टॉर्क की पावर देती है। और इसमें आपको 19 km/l की अच्छी खासी माइलेज भी मिलने वाली है। 7-8 लाख के ऑन रोड बजट के अंदर आपको इसकी टोटल 4 अलग अलग वेरिएंट देखने को मिलेगी, जो है इसकी विस्ता, विस्ता प्लस, विस्ता ऑटोमेटिक और एसेंटा वेरिएंट। और ये चारों ही वेरिएंट्स आपको ऑन रोड दिल्ली के हिसाब से 6.65 लाख से लेकर के 8.09 लाख में मिलने वाली है। बाकी अपडेट के बाद इसकी टॉप वेरिएंट अब 13.58 लाख की ऑन रोड कीमत तक जाती है। फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC, 360 डिग्री कैमरा, एयर प्यूरिफायर, क्रूज कंट्रोल, 9 इंच की इंफोटेनमेंट सिस्टम, पावर स्टीयरिंग, रियर एसी वेंट्स और हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट जैसी और भी बहुत सारी फीचर्स मिलने वाली है। साथ ही में इसमें 336 लीटर की बूट स्पेस भी दी गई है। इसके अलावा इसमें सेफ्टी के लिए सारे के सारे इम्पोर्टेंट सेफ्टी फीचर्स तो दी गई है, साथ ही में इसे ग्लोबल इनकैप से पहले से ही 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिला हुआ है, यानी मैग्नेट हर एक तरह से आपके लिए एक बढ़िया पैकेज हो सकती है, जिसमें प्राइसिंग, फीचर्स, सेफ्टी और कंफर्ट की एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन दी गई है। बाकी इसके इंजन में पावर थोड़ी सी कम है, लेकिन फिर भी 7-8 लाख के बजट के अंदर ये एक अच्छी कार है। इसके बाद नेक्स्ट कार है वैगनर। वैगनर मारुति की बेस्ट सेलिंग कार में से एक है। अगर आपको अपने गाड़ी में स्पेस और माइलेज के साथ साथ कंफर्ट भी अच्छी खासी चाहिए तो आप वैगनर की तरफ जा सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि इसमें आपको सेफ्टी के लिए डुअल एयरबैग, ABS विद EBD, सीट बेल्ट वार्निंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक और हिल होल्ड कंट्रोल जैसी और भी बहुत सारी सेफ्टी फीचर्स तो दी गई है। लेकिन फिर भी सेफ्टी के मामले में ये 1 स्टार सेफ्टी वाली कार है, जिसे ग्लोबल एनकैप से सिर्फ 1 स्टार की ही सेफ्टी रेटिंग मिला हुआ है। लेकिन फिर भी इसकी सेफ्टी को अनदेखा करे तो वैगनर माइलेज, रिलायबिलिटी और कंफर्ट के मामले में एक बहुत अच्छी कार है, जो 1 लीटर पेट्रोल में आपको 25 km/l तक की माइलेज निकाल के दे सकती है। और इसके साथ ही इसमें 341 लीटर की अच्छी खासी बूट स्पेस भी दी गई है। बाकी इंजन की बात करें तो इसमें 1.2 लीटर यानी 1197 सीसी की K12 इंजन दी गई है, जो इसे 89 bhp और 113 Nm टॉर्क की पावर देती है। इसके अलावा इसमें 7 इंच की इंफोटेनमेंट सिस्टम, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, कीलेस एंट्री, सेंट्रल लॉकिंग और एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले जैसी और भी बहुत सारी फीचर्स दी गई है। 7-8 लाख के बजट के अंदर आपको वैगनर की लगभग सारे के सारे वेरिएंट्स मिलने वाली है, जिसमें इसकी पेट्रोल से लेकर के CNG और ऑटोमेटिक वेरिएंट्स भी शामिल है। और आपको बता दें कि वैगनर इंडिया में 6.71 लाख से लेकर के 8.36 लाख की ऑन रोड कीमत तक जाती है। अगर आपको इस बजट के अंदर एक कंफर्टेबल और रिलायबल कार चाहिए, जिसमें आपको माइलेज भी अच्छे से मिले और आपको सेफ्टी से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो वैगनर आपके लिए एकदम बेस्ट चॉइस होने वाली है। इसके बाद आती है टाटा अल्ट्रोज, जो इंडिया की सेफेस्ट हैचबैक में से एक है, जिसे ग्लोबल इनकैप से सेफ्टी के लिए 5 स्टार की रेटिंग मिला हुआ है। और 7 से लेकर के 8 लाख के बजट के अंदर आपको इसकी XC, XM और XMS वेरिएंट मिलने वाली है। अल्ट्रोज दिखने में तो एक अच्छी खासी कार है, साथ ही में इसमें एक 1.2 लीटर की पावरफुल इंजन भी दी गई है, जो इसे 87 bhp और 115 Nm टॉर्क की पावर देती है। इसके अलावा आपको बता दें कि इंडिया में अल्ट्रोज ही अब इकलौती ऐसी हैचबैक है, जो पेट्रोल के साथ साथ डीजल और CNG में भी आती है। और इसमें आपको 8 लाख के अंदर ही सनरूफ भी मिलने वाली है। बाकी फीचर्स की बात करें तो अल्ट्रोज में सनरूफ के साथ साथ 10.25 इंच की इंफोटेनमेंट सिस्टम, 345 लीटर की बूट स्पेस, मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, रियर एसी वेंट्स और एडजस्टेबल ड्राइवर सीट जैसी और भी बहुत सारी फीचर्स दी गई है। और इसके डोर्स को आप 90 डिग्री तक ओपन कर सकते हैं। अगर आपको 7-8 लाख के बजट के अंदर एक अच्छी दिखने वाली सेफ हैचबैक चाहिए तो आप डेफिनेटली अल्ट्रोज के तरफ जा सकते हैं।
जिसमें आपको कंफर्ट के साथ साथ अच्छी खासी फीचर्स और मोस्ट इम्पोर्टेंटली टॉप क्लास सेफ्टी मिलने वाली है, जो किसी भी इमरजेंसी के टाइम में आपके और आपके फैमिली मेंबर्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो सकती है। अल्ट्रोज में 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग के साथ साथ ABSU TBD, सीट बेल्ट वार्निंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, स्पीड सेंसिंग, डोर लॉक, सेंट्रल लॉकिंग और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसी और भी बहुत सारी सेफ्टी फीचर्स दी गई है। अल्ट्रोज के बाद हमारी नेक्स्ट कार है बलिनो। बलिनो को इंडिया में लॉन्च हुए कई साल हो चुके हैं और स्विफ्ट के बाद बलिनो फर्स्ट टाइम कार बायर की पहली चॉइस होती है, जिसमें अच्छी खासी कंफर्ट के साथ साथ फीचर्स और माइलेज भी एकदम बढ़िया दी गई है। कुल मिला के ये आपके लिए एक अच्छी पैकेज हो सकती है, लेकिन अगर आपको अपनी गाड़ी में सेफ्टी ज्यादा चाहिए तो बलिनो को आपको अवॉइड करना होगा, क्योंकि इसमें सारे के सारे लेटेस्ट सेफ्टी फीचर्स होने के बावजूद इसे ग्लोबल इनकैप से सेफ्टी के लिए 0 स्टार की रेटिंग मिला हुआ है। बाकी अगर आपको माइलेज और रिलायबिलिटी चाहिए तो आप बलिनो की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि इसमें लगा 1.2 लीटर के सीरीज इंजन से 88 bhp और 113 nm टॉर्क के साथ साथ 22.35 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज भी निकाल कर देती है। और इसमें 318 लीटर की बूट स्पेस के साथ ही हेडअप डिस्प्ले, 9 इंच की इंफोटेनमेंट सिस्टम, सुजुकी कनेक्ट, 360 डिग्री कैमरा, क्लाइमेट कंट्रोल, AC, 6 एयरबैग, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, पावर विंडो और एडजस्टेबल ORVM जैसी और भी बहुत सारी फीचर्स दी गई है। और बलिनो की पॉपुलैरिटी को देखते हुए टोयोटा ने भी इसकी रिवाइज वर्जन यानी ग्लांजा को इंडियन मार्केट में उतारा है, जो हर महीने टोयोटा को अच्छी खासी सेल ला कर देती है। बाकी प्राइसिंग की बात करें तो बलिनो इंडिया में 7.55 लाख से लेकर के 11.16 लाख की ऑनरोड कीमत तक जाती है, और 8 लाख के बजट के अंदर आपको इसकी सिर्फ एक यानी जेट्टा वेरिएंट देखने को मिलेगी। और अगर आप ग्लांजा के तरफ जाते हैं तो इसकी भी ई वेरिएंट आपको 7.85 लाख रुपीस में मिलने वाली है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट कार है होंडा एक्सटर। एक्सटर क्रेटा और वेन्यू के बाद होंडा की बेस्ट सेलिंग कॉम्पैक्ट SUV है, जिसे i10 के ऊपर बेस करके बनाया गया है। साथ ही में ये इंडिया की सबसे ज्यादा स्टाइलिश और अच्छी दिखने वाली कॉम्पैक्ट SUV है, लेकिन फिर भी कई लोगों को इसकी लुक उतनी खास नहीं लगती। बाकी इंजन की बात करें तो एक्सटर में 1.2 लीटर की 4 सिलेंडर कापा पेट्रोल इंजन दी गई है, जो इसे 82 bhp और 113 nm टॉर्क की पावर निकाल के देती है, और साथ ही में इसमें आपको 19 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज भी मिलने वाली है। इसके अलावा इसमें सनरूफ, डुअल डैश कैम, 8 इंच की इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, क्रूज कंट्रोल, क्लाइमेट कंट्रोल, AC और एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले जैसी और भी बहुत सारी फीचर्स दी गई है। और सेफ्टी की बात करें तो इसमें 6 एयरबैग, ABS with EBD, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और चाइल्ड सेफ्टी लॉक जैसे सेफ्टी फीचर्स भी दी गई है, लेकिन इसको अब तक ग्लोबल एनकैप या फिर भारत एनकैप में टेस्ट नहीं किया गया है। बाकी एक्सटर देखने में तो अच्छी कार है और इसमें अच्छी खासी फीचर्स भी मिलती है, और इंडिया में ये 6.95 लाख से लेकर के 12.24 लाख की ऑनरोड कीमत तक जाती है, और 7 से लेकर के 8 लाख के बजट के अंदर आपको इसकी दो अलग अलग वेरिएंट देखने को मिलेगी, जो है इसकी EX और EX ऑप्शनल वेरिएंट। इसके बाद हमारी सेकंड बेस्ट कार है स्विफ्ट। स्विफ्ट इंडिया में मारुति की बेस्ट सेलिंग कार में से एक है, और मारुति ने इंडिया में अब तक इसकी टोटल 30 लाख से भी ज्यादा यूनिट को सेल किया है। स्विफ्ट अपनी हैंडलिंग, राइड क्वालिटी और स्मूथनेस के लिए काफी फेमस है, और इसकी लुक भी इसे किसी भी नॉर्मल गाड़ी के मुकाबले में ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। और हाल ही में मारुति ने इसकी न्यू जनरेशन को भी इंडियन मार्केट में उतारा है, जिसमें अब एक 1.2 लीटर की 3 सिलेंडर इंजन दी गई है, जिसकी मदद से यह अब 26 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज निकाल कर देती है। यानी अगर आप इसे डेली यूज के लिए परचेस करते हैं तो ये आपके जेब के लिए काफी पॉकेट फ्रेंडली होने वाली है। बाकी फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको 9 इंच की इंफोटेनमेंट सिस्टम, क्रूज कंट्रोल, वायरलेस चार्जर, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, रियर एसी वेंट्स, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, AC और रियर पार्किंग कैमरा जैसे फीचर्स के साथ साथ 6 एयरबैग, ABS with EBD, सीट बेल्ट वार्निंग और स्पीड सेंसिंग, डोर लॉक जैसी और भी बहुत सारी सेफ्टी फीचर्स मिलने वाली है। और आपको बता दें कि न्यू स्विफ्ट को यूरो एनकैप से 3 स्टार की सेफ्टी रेटिंग भी मिला हुआ है। और प्राइसिंग की बात करें तो न्यू स्विफ्ट इंडिया में 7.43 लाख से लेकर के 10.68 लाख की ऑन रोड कीमत तक जाती है, और 7 से लेकर के 8 लाख के बजट के अंदर आपको इसकी LXi और VXi वेरिएंट देखने को मिलेगी। अगर आपको इस बजट के अंदर एक स्टाइलिश और मॉडर्न लुक वाली कार चाहिए जिसमें माइलेज भी एकदम टॉप क्लास मिले, तो आप डेफिनेटली स्विफ्ट की तरफ जा सकते हैं। और फाइनली 7-8 लाख के बजट के अंदर आने वाली जो बेस्ट कार है वो है टाटा पंच। पंच इंडिया की सबसे ज्यादा सेल होने वाली कॉम्पैक्ट SUV है, जिसमें 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग भी मिलती है, जो इसे इंडिया की सेफेस्ट कार में से एक बनाती है। और सेफ्टी के साथ साथ पंच में लगा 1.2 लीटर 3 सिलेंडर इंजन से 18 से लेकर के 20 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज भी निकाल कर देती है।
साथ ही में पंच हायर ग्राउंड क्लियरेंस और अच्छे खासी फीचर्स भी प्रोवाइड करती है। इसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी, क्रूज कंट्रोल, कीलेस स्टार्ट स्टॉप बटन, 7 इंच की इंफोटेनमेंट सिस्टम, 366 लीटर की बूट स्पेस, रियर एसी वेंट्स और एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले जैसी और भी बहुत सारी फीचर्स मिलने वाली है। और सेफ्टी के लिए इसमें ओवर स्पीड वार्निंग, डुअल एयरबैग, एबीएस विद ईबीडी, सीट बेल्ट वार्निंग, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट और मोस्ट इंपोर्टेंटली इसमें 5 स्टार की ग्लोबल एनकैप सेफ्टी रेटिंग मिलती है। बाकी प्राइसिंग की बात करें तो पंच इंडिया में 7.03 लाख से लेकर के 11.92 लाख की ऑन रोड कीमत तक जाती है और 7 से लेकर के 8 लाख के बजट के अंदर आपको इसकी 3 अलग अलग वेरिएंट्स देखने को मिलेगी, जो है इसकी प्योर, प्योर ऑप्शनल और एडवेंचर वेरिएंट। और अगर आप 18,000 ज्यादा देते हैं तो 8,18,000 में आपको इसकी सीएनजी वेरिएंट भी मिलने वाली है, जिसमें आपको माइलेज भी ज्यादा से ज्यादा मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये थी 7 लाख से लेकर के 8 लाख के बजट के अंदर आने वाली इंडिया की टॉप 7 बेस्ट कार। आपको इनमें से कौन सी गाड़ी अच्छी लगी और आप इनमें से किसको लेना चाहेंगे नीचे कमेंट करें। और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और यूट्यूब के हिसाब से ये वीडियो आपके लिए बेस्ट चॉइस होने वाली है, तो इसे चेकआउट जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।